रिस्पेक्ट शो करें वो हम भी चाहते हैं हमें भी रिस्पेक्ट शो करें हाँ सही सुना दोस्तों अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है स्वामी महाराज अप्रैल 1997 में यूएई के दौरे पर गए थे उसी समय उन्होंने इच्छा जताई कि राजधानी में एक विशाल मंदिर होना चाहिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर को लेकर बेहद खुश और उत्साहित हैं वो चाहते हैं कि अबू धाबी में बन रहा मंदिर दिव्य और भव्य हो मंदिर इतना विशाल बनकर तैयार हो कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आएं। उनकी मंशा है कि यह मंदिर साधारण नहीं बल्कि एक विशाल हिंदू मंदिर हो बता दें कि अबू धाबी में बन रहा यह मंदिर बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था की तरफ से बनावाया जा रहा है राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को लेकर जानकारी संस्था के पूज्य ब्रह्मविहारी दास स्वामी ने दी है बताते चले कि ब्रह्मविहारी दास अबू धाबी में बनने वाले मंदिर के मुखिया हैं उन्हीं की देखरेख में यह मंदिर बनकर तैयार होगा अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनना चमत्कार जैसा पिछले दिनों भारत दौरे पर आए स्वामी ने बताया कि अबू धाबी में बन रहा यह हिंदू मंदिर उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद हिंदू मंदिर को लेकर इस कदर प्रतिक्रिया दे रहे हैं उन्होंने कहा कि आज भी इस बात को सोचकर आश्चर्य होता है कि अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है बता दें कि ब्रह्म विहारी दास स्वामी महाराज अप्रैल 1997 में यूएई के दौरे पर गए थे उसी समय उन्होंने इच्छा जताई कि राजधानी में एक विशाल मंदिर होना चाहिए उनका यह सपना आज साकार होने की कगार पर है जिससे वह बेहद ही गदगद हैं ट्वेंटी में यूएई की सरकार ने मंदिर के लिए दी थी जमीन गौरतलब है कि अगस्त 2015 में यूएई की सरकार ने अबू धाबी में मंदिर के लिए जमीन मुहैया कराई थी शेख मोहम्मद उस समय क्राउन प्रिंस थे उन्होंने मंदिर के लिए तब जमीन गिफ्ट की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर पहुंचे थे वह पीएम मोदी की पहली यूएई यात्रा थी साल 2018 में बीएपीएस के प्रतिनिधियों ने शेख मोहम्मद और मोदी से राष्ट्रपति महल में मुलाकात की पीएम मोदी तब दूसरी यूएई यात्रा पर अबू धाबी पहुंचे थे बताते चलें कि मंदिर के लिए शुरुआत में 13.5 एकड़ की जमीन तय हुई लेकिन बाद में अतिरिक्त 13.5 एकड़ जमीन और दी गई जो कि पार्किंग के लिए थी ब्रह्म विहारी दास के मुताबिक मंदिर प्यार सौहार्द और सहिष्णुता का प्रतीक होगा क्योंकि इस मंदिर की नींव इन तीन बातों पर ही आधारित है अबू धाबी में मंदिर का निर्माण कार्य ट्वेंटी एकड़ की जमीन पर जारी है मंदिर में जिस गुलाबी पत्थर को लगाया जा रहा है वह करीब एक साल पुराना है अबू धाबी के अब्बू मारीखा में 27 एकड़ में बने दुबई के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन अगले साल फरवरी में किया जाएगा यह बात बीएपीएस हिंदू मंदिर के प्रतिनिधियों ने कही बताया जा रहा है कि इस मंदिर का उद्घाटन समारोह जो मध्य पूर्व का सबसे बड़ा पारंपरिक पत्थर का मंदिर है सबसे बड़े सद्भाव उत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा यूएई ने कहा कि बीएपीएस मंदिर वैश्विक सद्भाव के लिए एक आध्यात्मिक नखलिस्तान होगा और यह उत्सव भारत की कला मूल्यों और संस्कृति का उत्सव होगा बीएप्स मंदिर का उद्घाटन अगले साल 14 फरवरी को होने वाला है भव्य मंदिर का उद्घाटन पूज्य महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में वैदिक कार्यक्रम के साथ किया जाएगा मंदिर प्रतिनिधियों ने कहा कि यह गहरी आध्यात्मिकता और आस्था वाला आध्यात्मिक समारोह है अबू धाबी में भारतीय समुदाय के सदस्यों को स्वामी महाराज की उपस्थिति में फिफ्टीन फरवरी को सार्वजनिक प्रस्तुति बैठक में भाग लेने के लिए पूर्व पंजीकरण करना होगा मंदिर के प्रमुख ब्रह्म विहरिदास स्वामी की देखरेख में पूरा हो रहा बीएपीएस हिंदू मंदिर अगले साल 18 फरवरी से आम भक्तों के लिए उपलब्ध होगा मंदिर के प्रतिनिधियों ने बताया कि पहले के आयोजनों में शामिल होने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगस्त 2015 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान यूएई के राष्ट्रपति किंग शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने जमीन तोहफे में दी थी मंदिर की आधारशिला फरवरी 2018 में रखी गई थी गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित इस मंदिर के एक साल तक बरकरार रहने की उम्मीद है पाकिस्तानियों को लगी मिर्ची सबसे पहले तो जो यू है एक इस्लामिक मुल्क है इस्लामिक मुल्क है तो वहाँ मुसलमानों को प्रमोट करना चाहिए क्यों और वो हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं ये सरासर गलत कर रहे हैं और जो वहाँ इंडियंस हैं उनको उनको ज़्यादा रोज़गार दिए जा रहे हैं मैंने वहाँ पर बन रहा है मंदिर क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे ख्याल इस्लामिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए। वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं हमारे मसाजिद पर आकर जो दूसरे हमारे माहाहब हैं तो नहीं होनी चाहिए इस तरह परमिशन नहीं मिलनी चाहिए मतलब कि इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं बिल्कुल होते हैं देखें आए दिन कोई ना कोई मुसलमानों के साथ वो जुल्म कर रहे होते हैं मस्जिदों को जला रहे होते हैं मार रहे होते हैं आप फलस्तीन में देख लें पे क्या कर रहे हैं इस इस के अंदर कौन है इस... मुसलमान ही है वहाँ पर भी के अंदर कौन इसराइल कर रहा है कर रहा है और कौन कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू है ना हाँ हाँ तो फलस्तीन के अंदर जोिश है ना यहूदी यहूदी वो लोग कर रहे हैं मतलब कि आप कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम है वो मुसलमानों पर हावी है हावी 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 बिल्कुल ऐसा ही है है के के तहत के तहत हावी है। क्या कहना चाहेंगे मुसलमान मजलूम है बिल्कुल इस वक्त तो मजलूम है हर तरफ से दबाया जा रहा है उन्हें वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी बहुत ज्यादा इंडियन सारे जाकर यू ही बच चुके हैं अब इंडियन जो है वो नौकरी के फील्ड में तो गए नहीं नौकर बनकर नहीं रहते सर वो लीड कर रहे हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद